लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। बस्तर एकमात्र सीट होगी जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इसे लेकर बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने कहा कि पूरी योजना चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में और हमारे राज्य के चुनाव आयोग के अधिकारियों के निर्देश पर बनाई गई है। हम मतदान से 3 दिन पहले टीमों को भेजना शुरू करते हैं। आज से मतदान अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। बीजापुर जिले के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पिछले विधानसभा चुनाव और उससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि हम मतदान टीमों को सीधे हेलीकॉप्टरों के जरिए उन इलाकों में भेजते हैं जो खतरे वाले क्षेत्र हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल, राज्य सशस्त्र बल और DRG सभी शामिल हैं और विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र का प्रभुत्व की खोज करेंगे। एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाएगा जिससे आम लोग अपना वोट डाल सकें। पूरी प्लानिंग जो है निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में और हमारे राज्य के जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उनके निर्देश पे की गई है। और आज से हम लोग जो, क्योंकि यहाँ हमें जो P-3 मतलब पोलिंग से 3 दिन पहले जो है हम दल रवाना शुरू करते हैं। काफी दल जो है हेली ड्रॉपिंग होती है तो उसके लिए जो हमारे सभी मतदान कर्मी जो है कल से आ चुके हैं। विधिवत उनको पूरा सामान दिया जा चुका है, EVM मशीन और सभी जो है आवश्यक मतदान सामग्री। और वो आज से जो है मतलब 16 तारीख से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो कैंप्स में स्टे करेंगे और जो है 19 तारीख का निर्वाचन पूर्ण करके। निर्वाचन ही अपने आप में चैलेंजिंग है लेकिन बीजापुर जिले के जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और पिछले विधानसभा में भी बहुत अच्छा काम किया, उसके पहले भी काम किया है। आप देखेंगे हमारे पूरे जो है मतदान कर्मी जो हैं पूरे जोशो क्रास में, जोश में हो कि नहीं, तो इन पूरे जोश में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एवरीबॉडी इज ऑन जोश, समझे, ऑन टोस। और जो है हम लोग भी साथ में हैं, हम लोग भी विजिट करते रहते हैं और पूरा अरेंजमेंट किया गया है, फुल प्रूफ, पूरे तरह सुरक्षा का बंदोबस्त है। और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हम जो है एक शांतिपूर्ण सफल मतदान कराएंगे। और बीजापुर में इस बार हमने स्वीप की एक्टिविटी की थी जिसमें मतदान प्रतिशत पिछले बार कुछ कम था, तो प्रयास रहेगा कि मतदान प्रतिशत जो है राज्य के औसत के आसपास रहे। नहीं, ये तो फुल प्रूफ अरेंजमेंट रहता है, मेडिकल किट है, डॉक्टर्स रहेंगे, इनके जहाँ स्टे करेंगे वहां पे भी इनको जो है पूरी सुविधाएं रहेंगी। तो जो ORS घोल वगैरह के लिए भी साथ में बताया गया है, भोजन और रिफ्रेशमेंट वगैरह सब जो है व्यवस्था है। और बीजापुर के लिए जो है जितने मतदान कर्मी उसमें अधिकतर जो है उन पूर्व अनुभवी हैं, पहले भी जा चुके हैं, तो उन्हें पूरा अनुभव है कि किस तरीके से आगे 3 दिन 2 दिन जो है वो रिमोट एरिया में जहां जाते हैं वहां रहते हैं। और इसके लिए हमारे को पुलिस बल, एयरफोर्स, BSF सबका सहयोग मिल रहा है, इसलिए यहां इस पूरे प्रदेश में और मैं कहूं कि आसपास में सबसे ज्यादा जो हेली ड्रॉपिंग होती है, तो अच्छा एक व्यवस्था बनी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। देखिए, जो हेली ड्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल जो रोड्स के थ्रू जो थ्रेट्स होते हैं, ID के थ्रेट्स हैं, एम्बुश के थ्रेट्स हैं या फिर नक्सल के द्वारा अन्य जो ट्रैप लगाए जाते हैं उसके लिए होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम हेलीकॉप्टर के थ्रू जो मतदान दल है उसको भेजते हैं और मतदान दल वहां वोटिंग कराता है, उसके बाद वहां से वापस आता है। इस प्रकार हमारे जितने भी जो थ्रेट वाले एरिया है, जो इंटरनल एरिया है, जैसे आपके गलगम हो गए और पालनार हो गया, पुसनार हो गया, इस तरह के इंटरनल जितने एरियाज हैं जहां FOBs हैं वहां पर हम लोग हेली ड्रॉपिंग के थ्रू हम लोग अपना वो करा रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। देखिए, यहां तो चैलेंजिंग है, कई सारे हमारे जो पोलिंग स्टेशन शिफ्टेड हैं, इसमें जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस की हैं और अपनी छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस हैं, स्टेट की फोर्स है, अपनी DRG है, सारे जो फोर्सेस हैं वो लगेंगी और अलग अलग क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन सर्चिंग, इसके अलावा जो अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन में है उसमें भी आउटर कॉर्डन्स में लगेंगे, रोड ओपनिंग पार्टीज में लगेंगे। तो इस तरह पूरी तरह से एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो आम लोग हैं एक मतलब सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट में अपना वोटिंग कर सकें। पुलिस की तो यही अपील है कि भारी मात्रा में वोट करें और हम अंदर से सिक्योरिटी भी उनको प्रोवाइड करेंगे जो वोटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अंदर से बायकॉट हो जाता है और उसके बाद में वो जो अंदर के अंदरूनी इलाके के जो गांव के लोग हैं वो वोटिंग करने नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमने अंदरूनी इलाकों में भी अभी अपने सर्च और डोमिनेशन बढ़ाई है और चुनाव के समय भी हमारे सर्च डोमिनेशन
वैक्सीनेशन बढ़े रहेंगे ताकि वो लोग को एक सिक्योरिटी का एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। देखिए किसी भी ऑपरेशन में या फिर कुछ भी हो, कोई इसी प्रकार का प्रोग्राम, तो इंडक्शन डी इंडक्शन सबसे जो टफ होता है, तो जिसमें आप डी इंडक्शन की जैसे बात कर रहे हैं तो उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सिंस हमारे पास हेलीकॉप्टर हेली ड्रॉपिंग की फैसिलिटीज है तो हम आसानी से वो लोग को जो भी मतदान दल है जैसे ही मतदान संपन्न होता है, हाँ जो हेली ड्रॉपिंग की है वो एमआई के जो चॉपर्स होते हैं उनके द्वारा इसको संपादित किया जाता है।